हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं नेट सॉल्यूशन हिंदी। और आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि सीएससी पोर्टल के द्वारा जो आईआरसीटीसी का एजेंट आईडी आप लोगों को आया हुआ है, उसे आप आईआरसीटीसी की वेबसाइट पे लॉगिन कर ही पाते हैं, लेकिन उसे कैसे देख पाएंगे कि आप उस एरिया पिन कोड पे रजिस्टर्ड हैं कि नहीं है। चलिए मैं आपको पूरा दिखाता हूँ प्रोसेस। तो यहाँ पे अभी तक आप लोगों ने नेट सॉल्यूशन हिंदी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ये रेड कलर का सब्सक्राइब बटन आपको मिल जाता है, इसे दबा करके सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा हर एक नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। चलिए अब मैं आपको ये प्रोसेस दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं आपको सीएससी पोर्टल लॉगिन करके ही दिखा देता हूँ कि वहाँ से भी आईआरसीटीसी की लिंक दे रखा है जहाँ से कि आप रजिस्टर्ड और लॉगिन दोनों कर पाते हैं। चलिए मैं ऐड से सीएससी पोर्टल ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं लॉगिन कर लेता हूँ। अब यहाँ पे IRCTC सर्च करना है। देख लीजिए मैं IRCTC डाला तो इसमें आप जान ही रहे हैं कि दो ऑप्शन है, CSE IRCTC रजिस्ट्रेशन और रेलवे टिकट बुकिंग। तो रेलवे टिकट बुकिंग पे क्लिक करेंगे तो IRCTC की जो ओरिजिनल साइट है वहाँ पे रिडायरेक्ट कर देगी आपको। वहाँ से आपका CSE का जो एजेंट आईडी पासवर्ड मिला है रजिस्टर्ड करने के बाद, उसे आप करेंगे तो लॉगिन हो पाएंगे। और मैंने इससे पहले भी एक वीडियो पब्लिश किया है IRCTC के रिलेटेड, लेकिन कौन क्या बोलता है उससे मुझे मतलब है नहीं। मैंने जो भी इन्फॉर्मेशन दिया था इसमें बिल्कुल सच्चाई बताया था, जैसा कि थंबनेल आप देख सकते हैं सीएससी पोर्टल से IRCTC लॉगिन। तो मैंने इसी पोर्टल सीएससी पोर्टल के द्वारा इसी लिंक पे बताया था लॉगिन करके। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ दूसरा ऑप्शन, इसमें देखिए मैंने इस थंबनेल को सेट किया था जो कि यहाँ पे थंबनेल ये आपको दिख रहा है, ठीक है, ये भी सही है। उसके बाद मैंने डाला था कि सभी वीएलई को इसके फायदे समझने चाहिए, ठीक है, इसको मैंने लिखा था, शॉर्टकट ज़्यादा बड़ा ना हो जाए इसलिए मैं यहाँ तक लिखा था। उसके बाद तत्काल टिकट कैसे काटेंगे, तो सारा कुछ मैंने बताया था इसमें, कैसे लॉगिन करना है, कैसे तत्काल टिकट बुकिंग 11:30 बजे से आपको दिया जाता है। जैसे 11 बजे से नॉर्मल तत्काल टिकट आप बुक कर सकते हैं IRCTC डायरेक्ट साइट से पर्सनल लॉगिन से। तो एजेंट आईडी से आप 11:30 बजे के बाद जो तत्काल का टिकट बचता है उसे आप बुक कर पाते हैं। फिर भी कमेंट डिसेबल, मतलब कुछ ऐसे कमेंट आए, नेगेटिव कमेंट डाला, कौन क्या करते हैं, मतलब जो जलस करते हैं या जो भी करते हैं उसकी इच्छा है क्या डालें, मतलब नहीं। मैंने इस चैनल के माध्यम से सभी वीएलई को इन्फॉर्म करता हूँ, सही इन्फॉर्मेशन के द्वारा उनको सही जानकारी पहुँचाता हूँ इस चैनल के माध्यम से। तो अब मैं जो आज के वीडियो में आप लोग को बताने वाला हूँ, IRCTC के साइट पे आप कैसे देख पाएंगे कि आप उस एरिया के एजेंट हैं कि नहीं हैं, आप एजेंट के रजिस्टर्ड हैं कि नहीं। तो यहाँ पे देख सकते हैं IRCTC के साइट पे कुछ आपको लिंक यहाँ पे शो करेंगे, बहुत सारे लिंक है देख सकते हैं। तो मैंने एजेंट पे क्लिक किया, एजेंट पे देख सकते हैं मैं क्लिक किया और थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। यहाँ पे फाइंड NQET एजेंट्स का एक ऑप्शन मिलेगा, लिंक मिलेगा, इसमें आपको एरिया पिन कोड मांगा जाएगा। जैसे कि मैं अपना एरिया पिन कोड डाल दिया, अब मेरे एरिया पिन कोड में CSE के थ्रू जो है 1, 2, 3, 4 ID CSE के थ्रू है IRCTC के, और 2 ID WGI टैग WT श्याम इस तरह से है, तो उनका पर्सनल आईडी होगा। ये है आपका मिल्की है, यहीं के बगल में है, और एक और ये कहाँ का है, ये सोनवर्षा का है, तो बगल में ही ये सब इसी पिन कोड पे, ये मैं सब जान रहा हूँ कहाँ से है। और यहाँ पे देख सकते हैं मेरा IRCTC दिखा रहा है विभाकर सिंह, ठीक है, यहाँ से सी गवर्नमेंट सर्विस इंडिया लिमिटेड जो भी है CSE से इस तरह से डाला हुआ है, और यहाँ पे वो पूरा डिटेल्स आपको दिख जाएगा। तो दोस्तों देखिए ये एक्चुअली होता क्या है कि आपका जो CSE का एजेंट आईडी है यहाँ से आप ट्रैक कर सकते हैं, कोई भी पिन कोड पे आप वहाँ पे देख सकते हैं कि आप इसके एजेंट लिस्ट में हैं कि नहीं। यहाँ ब्लैक लिस्टेड एजेंट का भी दिया हुआ है, इसे भी आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आपको इसकी सॉफ्ट कॉपी, ये कॉपी इसका मिल जाता है, यहाँ पे देख सकते हैं, इसे आप डाउनलोड करके देख सकते हैं। जैसा कि देखिए ये मैंने डाउनलोड कर रखा है इसे, चलिए मैं इसे ओपन करके दिखा देता हूँ। तो इस तरह से देखिए ब्लैक लिस्टेड जिसका भी है वो आपको इस तरह से पूरा डाउनलोड हो गया है, और यहाँ पे ब्लैक लिस्ट में दिया मल्टीपल यूजर आईडी, मल्टीपल यूजर आईडी। तो आप भी ध्यान दें कि जो भी IRCTC का एजेंट आईडी लॉगिन करते हैं उस PC में मल्टीपल लॉगिन ना करें, यानी कि उसमें जो भी लॉगिन करते हैं अपना ही लॉगिन करके रखा करें, ज़्यादा बेटर रहेगा, नहीं तो आपका भी ये मल्टीपल ब्लैक यूजर आईडी करके ब्लॉक हो सकता है। तो
आज के इस वीडियो में मैंने इन्फॉर्म किया आपको कि IRCTC एजेंट आईडी का जो ब्लैक लिस्ट है वो क्यों हो जाते हैं और उससे कैसे बच सकते हैं। और दूसरा दोस्तों, मैंने ये बताया आपको कि एजेंट आईडी को कैसे देख सकते हैं, उस एरिया के एजेंट में आपका नाम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो वीडियो को जो जो समझ पा रहे हैं, जो देख पा रहे हैं, मेरे जो व्यूअर हैं और जो मुझे लाइक करते हैं, वो इस वीडियो को भी प्लीज़ लाइक किया कीजिए, ताकि जो हेटर्स हैं उसे पता चल सके कि नहीं, इस वीडियो की डिमांड थी और इस वीडियो को विभाकर जी ने यदि डाला तो ये मेरे लिए ज़रूरी था। जिनके लिए भी ये ज़रूरतमंद इंफॉर्मेशन लगा वो लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपना डिटेल्स डालिए और बताइए मुझे कि नेक्स्ट आपको किस पे वीडियो चाहिए, क्या जानकारी चाहिए, ज़रूर मैं कोशिश करूँगा पहुँचाने का। धन्यवाद।